हेलो गाइज, मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं फैल्कन टेक। तो दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले मोटो ZX 2 की और साथ में कंपैरिजन करेंगे नोकिया की 32 इंच टीवी के बारे में। देखेंगे किसकी पिक्चर क्वालिटी है बेस्ट, किसकी साउंड क्वालिटी है बेस्ट और कौन माइक्रो टीमिंग टेस्ट में हमारा बढ़िया निकल के आ जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, प्लीज़ कर देना लाइक वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। 1K हो चुके हैं, थैंक यू सो मच 1K के लिए। और चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले हम पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं, दोनों ही टीवी में हमारे को वी पैनल देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम ब्राइटनेस की बात करते हैं तो ब्राइटनेस हमारे को जो है नोकिया में ज़्यादा देखने मिल जाती है, जो कि 325 निट्स की निकल के आती है, और मोटोरोला टीवी में हमारे को 300 निट्स की निकल के आ जाती है, जो कि सिर्फ थोड़ी ही कम है। बट हाँ, मैं बोलूँगा कि कंट्रास्ट रेशियो हमारे को जो है नोकिया के टीवी में ज़्यादा अच्छा देखने मिलता है एज़ कम्पेयर टू मोटो ZX 2। लेकिन अगर मैं ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी की बात करता हूँ तो पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा सा नोकिया ज़्यादा अच्छा निकल के आता है एज़ कम्पेयर टू मोटो ZX 2। बट एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है मोटो ZX 2 की, तो उसमें आपको जो है डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने मिलता है, जो कि नहीं मिलता 32 इंच टीवी में जनरली। बट इस टीवी में आपको जो है डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है, जो कि बहुत ही खास बनाता है इस टीवी को। और इसके साथ ही आप यूट्यूब पर जो है 4K प्ले कर सकते हैं, बट वो डाउन स्केल कर देता है आपकी फाइल्स को, आपकी जो वीडियोस को डाउन स्केल करके 720p पैनल पे दिखाता है, क्योंकि HD रेडी ही पैनल है, तो आपको जो है उतनी ही क्वालिटी देखने मिलेगी। बट स्टिल ये चला पा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बना देते हैं। इसके अलावा अगर आप जो पेन ड्राइव वगैरह से भी कनेक्ट करेंगे तो टीवी में 4K वीडियोस भी ये प्ले कर पाएगा, क्योंकि इसका पावरफुल प्रोसेसर और GPU की वजह से ये वीडियोस को प्ले कर पाता है, जो कि बहुत ही खास बनाता है इस टीवी को एज़ कम्पेयर टू नोकिया। और इसके साथ ही साथ जो भी इसमें बफरिंग की कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलती है, इमेज डिस्टॉर्शन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकती है मोटोरोला ZX 2 में। However, उसकी ओवर क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने मिल जाती है पिक्चर क्वालिटी की। बट थोड़ी सी ये कहूँगा कि माइक्रो डेमिंग टेक्नोलॉजी हमारे को जो नोकिया में मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छे बना देती है, उसके ब्लैक पार्ट को जो है सेपरेट करने में मदद करता है, उसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं तो नोकिया विनर है, बट थोड़ी बहुत जो हम फीचर मिल रहा है एक्स्ट्रा, जैसे कि 4K आपको प्ले कर देता है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल रहा है, तो वो हमारे को जो मोटो ZX 2 में आता है। बट ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी नोकिया की बेटर निकल के आ जाती है। दूसरा जो आता है हमारा साउंड से रिलेटेड आपको जो है पता ही होगा कि दोनों ही टीवी में जो काफ़ी अच्छे आपको साउंड आउटपुट देखने मिलता है। एक टीवी जो कि नोकिया का है, हमारे को 39 वॉट्स का साउंड आउटपुट देखने मिलता है उनका एक ही तरफ से, हमारे को जो साउंड बार मिलता है इस टीवी के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर मोटो ZX 2 की बात करते हैं तो 40 वॉट के स्पीकर देखने मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट कौन सा बेस्ट है और कौन सा नहीं, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो नोकिया है, नोकिया के ओनकायो जो साउंड बार है वो करीब करीब आपको जो है 24-28 वॉट तक का ही आउटपुट दे पा रही है फिलहाल में, क्योंकि उसकी अपडेट वगैरह नहीं आई थी। और इसका जो सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगा अभी प्रॉब्लम में है फिलहाल के लिए, तो इस वजह से इसकी साउंड जो है आपको 100% नहीं आती है,
मैं बताऊंगा कि इसकी साउंड आपको जो है अभी 65% आउटपुट ही काम कर रहा है इसके साउंड का, जो कि बेटर हो सकता है अगर कंपनी अगर सॉफ्टवेयर पे थोड़ा बहुत काम कर लेती है और इंटीग्रेशन वगैरह इसकी सही कर देती है साउंड के साथ में, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये टीवी भी। बट ओवरऑल साउंड क्वालिटी ठीक है, बेस आपको थोड़ा बहुत फील होता है बट नॉट लाइक कि बेस्ट है। अगर मैं मोटो ZX2 की बात करूँ तो मोटो ZX2 में आपको काफ़ी अच्छा साउंड देखने मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा बनाया था, और इसके साथ में ज़्यादा लाउडर साउंड देखने मिलता है, जैसे कि आपको व्यू सिनेमा 32 इंच में मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लाउडर है, बट बेस कम होती है। बट बेस नोकिया में ज़्यादा है क्योंकि उसके स्पीकर दबी दबी से आवाज़ निकालते हैं, थोड़ी सी दबी आवाज़ होती है उनकी, बट मोटो ZX2 की आवाज़ जो है तो काफ़ी एक लाउडर साउंड मैं बोलूँगा, काफ़ी ज़्यादा लाउड है और काफ़ी अच्छा मेरे को लगता भी है पर्सनली कि लाउड होना चाहिए साउंड, दबी साउंड जो है कभी कभी अजीब सी लगती है। तो मोटो ZX2 विनर है इस वाले कंपेरिजन में, सीधी सी बात है। कहते हैं कि भाई पोर्ट्स, भाई देखो पोर्ट्स नोकिया में ज़्यादा देखने मिलते हैं और पोर्ट्स तरह तरह के पोर्ट्स देखने मिल जाते हैं नोकिया में। आपको 3 HDMI देखने मिलती है जो कि बहुत अच्छी बात है, और 2 USB देखने मिल जाती है, बट इसमें आपको मोटोरोला ZX2 में आपको 1 HDMI कम देखने मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैटर नहीं करती है। हालांकि HDMI से इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम लोग, तो मैं बोलूँगा कि पोर्ट्स के मामले में दोनों ठीक ठीक है, कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है पोर्ट्स वगैरह। डिज़ाइन की बात करते हैं तो डिज़ाइन में तो देखो मोटो ZX2 क्लियर विनर है, क्योंकि काफ़ी स्लीक डिज़ाइन देखने मिलता है और हल्का भी है एज़ कम्पेयर टू नोकिया। नोकिया काफ़ी एक बल्कि सा डिज़ाइन देखने मिलता है आपको, जो है बेजल्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने मिल जाते हैं, बट मोटो ZX2 में इतने बेजल्स नहीं देखने मिलते हैं, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा पर्सनली अच्छा भी लगता है, जिसकी कम बेजल्स होते टीवी में काफ़ी एक प्रीमियम सा लुक आता है। अगर मैं दिखाता हूँ आपको जो है सिनेमा, जो व्यू का सिनेमा टीवी है वो भी काफ़ी प्रीमियम लगता है, क्योंकि उसमें काफ़ी कम बेजल्स देखने मिलते हैं और जो उसमें नीचे साउंड बार है वो एक्चुअल में काफ़ी अच्छा काम करता है, तो मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। पता नहीं क्यों नहीं स्टॉक वगैरह आ रहा, तो प्लीज़ यार स्टॉक वगैरह उसको ले आओ, स्टॉक बहुत लोग आपका टीवी भी खरीदना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी आपको ये चीज़ बनाई है। अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की तो क्लियर विनर है मोटो ZX2 भाई, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस आपने बनाई है मोटोरोला वालों। बट चाइनीज़ है, चाइनीज़ क्या यार, सारे के सारे ऐसे ही बन रहे हैं, कहने की बात होती है। जो बेस्ट प्रोडक्ट दे रहा था भाई बेस्ट ही देगा भाई, तो मोटो ZX2 आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। इस केस में एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट मिलता है, स्मूथ आपको परफॉर्मेंस देखने मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट नोकिया 3-4 अपडेट लाने के बाद भी परफेक्ट नहीं बना पाए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी तक, तो प्लीज़ आप अपने UI को प्लीज़ काम कीजिए अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, सो दैट लोगों को अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिले और लोग खुश हो जाएं और आपके ब्रांड की भी बल्ले बल्ले हो जाए। अगर माइक्रो डिमिंग की बात करते हैं तो दोस्तों माइक्रो डिमिंग में तो मैं बोलूँगा कि नोकिया काफ़ी तगड़ा निकल के आता है। माइक्रो डिमिंग टेस्ट ही मुझे वो इंप्रेसिव लगता है इस टीवी के अंदर, नोकिया के टीवी में तो माइक्रो डिमिंग से रिलेटेड तो बेस्ट टीवी होने वाली है। अगर आपको किन चीज़ों में काम आता है एक्चुअली माइक्रो डिमिंग काम कहाँ आता है यार, माइक्रो डिमिंग ऐसे काम पता है कहाँ आता है, अगर आप डार्कर मूवीज़ देखते हैं जैसे कि बैटमैन की एक मूवी है द डार्क नाइट, तो वो भी अगर आप देखते हैं तो उस केस में ये टीवी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। अगर डार्क सीन ज़्यादा है किसी मूवी में तो माइक्रो डिमिंग टेक्नोलॉजी बेस्ट काम करती है एज़ कम्पेयर टू नॉन माइक्रो डिमिंग टीवीज़ में, तो माइक्रो डिमिंग टेक्नोलॉजी आपके लिए बेस्ट वहाँ हो सकती है। अगर आप मूवीज़ ऐसी देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क होते हैं लाइक इस कपड़े जैसी बिल्कुल ब्लैक, आप ऐसी मूवीज़ देखते हैं तो आपके लिए बेस्ट होने वाली माइक्रो डिमिंग टेक्नोलॉजी, तो नोकिया की तरफ चले जाइएगा बिना आँख बंद करके, आँख खोल के चली जाइएगा, और लिंक वगैरह आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोनों ही टीवी के, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हो, उससे क्या होगा थोड़ा सा भला हो जाएगा तुम्हारे भाई का, तो चाहोगे तो प्लीज़ भला भी करा देना, बट अभी मत खरीदना, अभी मेरा भी भला मत करना और अपना भी मत करना क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, बाद में ले लेना, यहाँ से लिंक मिल जाएगा आपको हमेशा, ये मतलब लिंक नहीं जाने वाला तो वहाँ से भी आप ले सकते हो, बाद में जब आप सोच रहे हो तब ले लेना, अभी तो मैं नहीं बोलूँगा कि अभी बिल्कुल ले लो जाके, अभी मत लेना, भला करा देना, बाद में करा देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो माइक्रो डिमिंग तो मैं बोल रहा था कि भाई बेस्ट नोकिया है माइक्रो डिमिंग, तो खासकर दे ही रहे हैं माइक्रो डिमिंग, तो ऑब्वियसली नोकिया बेस्ट हो सकता है माइक्रो डिमिंग केस में, बट ओवरऑल मोटोरोला ZX2 ले लेना अगर प्राइस कम आ रहा है, तो नोकिया भी ले सकते हो अगर आपको इतना वो नहीं है कि, तो नोकिया भी ले लेना कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना कि मोटोरोला पे इतना भरोसा नहीं होता, कहते हैं भाई नोकिया पुराना ब्रांड है, नोकिया के छोटे छोटे फ़ोन चलाते थे ना वो ज़्यादा अच्छे लगते थे, ऑब्वियसली देखो नोकिया है अच्छा ब्रांड है मैं मानता हूँ, बट टीवी में थोड़ी बहुत कमी है, तो यार देखो मेरा तो काम है कि आपको बेस्ट चीज़ बताने का, तो टीवी में थोड़ी सी कमी है, बट मोटोरोला ZX2 जितना रिफाइंड टीवी नहीं है ये, तो मोटोरोला ZX2 ज़्यादा अच्छा मैं बोलूँगा इस प्राइस रेंज में, तो मतलब इस प्राइस रेंज में नहीं, जब वो डिस्काउंट वाला प्राइस रेंज होता है उस वाले में, ठीक है, तो वहाँ पे आप ले सकते हो।
तो ओवरऑल मेरा क्या डिसीजन रहेगा, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं मोटो ZX2 ले लेता, इतना ज़्यादा सोचता नहीं, बट मैंने नोकिया ले लिया था पता नहीं क्यों, बट क्योंकि मैं शायद देखना चाहता था कि क्वालिटी वगैरह कैसे देखने मिलती है। तो मैंने वो रिव्यू वगैरह देखे और फिर जब मैंने टीवी देखा किसी और के यहाँ पे देखा था, ऑब्वियसली मेरे पास वो टीवी नहीं है, बट मैंने अच्छे चेक किया था तो मेरे को काफ़ी अच्छा देखने मिला था। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे वो टीवी की वीडियोस बनाने के लिए कहा था, थैंक यू सो मच उनको। और वीडियो में इतना ही है, तब तक ले बाय। आई होप आपको जो है मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं होप करता हूँ कि आप जो है लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। मिलता हूँ, तब तक ले बाय, टेक केयर, कोरोना से बचें, कोरोना से जरूर बचें ना, क्योंकि भाई साहब बहुत फैल रहा है। ठीक है, बाय।